कई बार जिंदगी तोड़ देती है हौसले को और लगता है जैसे सब खत्म, चूर चूर हुए सारे सपने, व्यर्थ हुए सारे प्रयत्न। पर चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। 1932 में जन्मे क्रिस्टी ब्राउन आयरलैंड के ब्राउन दंपत्ति की 10वीं संतान थे। वो अभी छोटे ही थे कि उनके विकास और उनकी गतिविधियों को देखकर माँ को कुछ शक हुआ। डॉक्टरों के पास गई तो पता लगा कि सेरेब्रल पाल्सी है और क्रिस्टी जीवन में उठ नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे। बस बायां पैर है जिसमें थोड़ी ताकत है, पर उसके अलावा पूरा शरीर उनका निष्क्रिय है। डॉक्टरों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, यहाँ तक कि पिता को भी यही लगा कि जीवन में क्रिस्टी का कुछ भी कर पाना नामुमकिन है और इसलिए उनको हॉस्पिटल की देखरेख में छोड़ देना चाहिए। पर माँ का मन नहीं माना। माँ अपने आप को यह समझा नहीं पाई कि उनका बेटा अक्षम है। कोई सबूत नहीं, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं, कोई आंकड़े नहीं, विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं। पर फिर भी माँ को यह विश्वास था कि क्रिस्टी एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेंगे। और माँ ने निर्णय लिया कि हॉस्पिटल में नहीं, क्रिस्टी को वो अपने अन्य 22 बच्चों की तरह ही घर पर पालेंगी। चाहे जो हो जाए, एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। माँ ने क्रिस्टी के साथ संघर्ष चालू किया, सिखाना चालू किया, लिखना, पढ़ना, पेंटिंग करना, अपने बाएं पैर की उंगलियों का उपयोग कर पाना, उनसे कला को महसूस करते हुए रंग भर पाना, साहित्य समझते हुए उसे महसूस कर पाना। और 9 साल की उम्र में क्रिस्टी ने पहली बार जमीन पर चौक का उपयोग करते हुए अपने बाएं पैर से अपना पहला शब्द लिखा, मदर, माँ। उस दिन दुनिया को तो नहीं, लेकिन कम से कम परिवार वालों को, उनके पिता को ये विश्वास हो गया कि उनका बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा काम करेगा। चाहे जो हो जाए, एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। ब्राउन परिवार बहुत बड़ा परिवार था और पैसे की बेहद तंगी थी, पर फिर भी माँ ने किसी तरीके से पैसे जोड़कर क्रिस्टी के लिए व्हीलचेयर खरीद दी। जब क्रिस्टी के भाई बहन क्रिस्टी को व्हीलचेयर पर लेकर पार्क में खेलने के लिए जाते, खेलते, कूदते, दौड़ते, भागते, तितलियों को पकड़ते, तो क्रिस्टी उस वक्त अपने दिमाग में शब्दों को जोड़कर कविताएं रच रहे होते, पात्रों को रूप दे रहे होते, उनमें रंग भर रहे होते, उनको संवाद दे रहे होते और बना रहे होते खूबसूरत कहानियां। और घर आकर ये कहानियां उनके बाएं पैर की ताकत का सहारा लेकर कागज पर उतर जाती। ये सिलसिला चलता रहा 1954 तक, जब क्रिस्टी ने अपनी पहली किताब दुनिया के सामने रखी, माय लेफ्ट फुट। क्रिस्टी के संघर्ष की कहानी है और सारी दुनिया ने उनके संघर्ष को और उनकी किताब को सराहा, पर क्रिस्टी रुके नहीं। 1970 में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, डाउन ऑल द डेज, जो अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बनी, जिसका 14 भाषाओं में अनुवाद हुआ और जिसने क्रिस्टी को अथाह पैसा दिया। पर क्रिस्टी तब भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने 2 और उपन्यास और उसके बाद 3 संग्रह लिखे कविताओं के। चाहे जो हो जाए, एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। दुनिया को तमाम खूबसूरत उपन्यास, कहानियां और कविताएं देकर 1981 में क्रिस्टी इस दुनिया से चले गए। 1989 में उनके जीवन पर और उनकी पहली किताब माय लेफ्ट फुट पर आधारित एक फिल्म बनी, जिसको 2 ऑस्कर अवार्ड्स के साथ साथ दुनिया भर में बेशुमार अवार्ड्स मिले। क्रिस्टी ब्राउन की जिंदगी के दौरान भी और उनकी जिंदगी के बाद भी उनको बेशुमार नाम, बेशुमार पैसा, प्यार और इज्जत हासिल हुई। पर इन सबसे परे सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस्टी का जीवन और उनका संघर्ष और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को मजबूती देता रहेगा,
हौसला देता रहेगा और ये विश्वास देता रहेगा कि चाहे जो हो जाए, कि चाहे जो हो जाए, एक रास्ता ज़रूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफ़ी है रात भर चलने के लिए। एक रास्ता ज़रूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए।